हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड यू आर वाचिंग लीगल एनलाइट। मेरे केस में बहुत ही कम बार ऐसे होता है जब मैं व्यक्ति केंद्रित या फिर पर्सन सेंट्रिक हो जाऊँ, क्योंकि जब हम व्यक्ति केंद्रित होकर सोचने लगते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ही लिमिटेड रह जाता है। आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। पर हाँ, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है, उनका काम इतना बड़ा और ग्लोरियस होता है कि उन्हें इग्नोर करने वाले हम कौन। मैं बात कर रही हूँ द इमिनेंट जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हाईली रिगार्डेड इंटेलेक्चुअल एंड हु हैज बीन कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ कंसेंस ऑफ आर नेशन, दैट इज नाना भाई अर्देशीर पालखीवाला, जिन्हें हम नानी पालखीवाला भी कहते हैं। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। वो डाइड इन 2002। सो आई थॉट लेट्स हैव अ क्विक इंसाइट ऑफ हिज लाइफ, हिज वर्क, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द जर्नी ओवरऑल। आपको केशवानंद भारती केस पता है? इस केस में बेसिकली पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के पावर्स होते हैं वो और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स, इनके बीच में क्लैशेस थे। ऑन द वन हैंड इट वॉज आर्ग्यूड दैट पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के पावर्स है वो अनलिमिटेड पावर्स है। इसके अगेंस्ट नानी पालखीवाला ने सिंगल हैंडेडली आर्ग्यूमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 मेजोरिटी से ये कहा कि हाँ, पार्लियामेंट के पास तो बहुत ही वाइड पावर्स है, पर ये पावर्स इतने वाइड नहीं हो सकते कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को या फिर उसके बेसिक ढांचे को ही बदल दो। ये केस नानी पालखीवाला के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनी। 1958 से लेकर 1994 तक नानी पालखीवाला हर साल एक बजट कॉमेंट्री कंडक्ट करते थे। माने कि पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंट किया जाता था उसे वो आम लोगों में डिस्कस करते थे और ज़रूरत पड़े तो उसे क्रिटिसाइज भी किया जाता था, सो दैट लोगों की अवेयरनेस बढ़ सके। उस टाइम तो ऐसे भी कहा जाता था कि देश में दो बजट प्रेजेंट होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं और एक नानी पालखीवाला। पर क्या आपको पता है, जिन नानी पालखीवाला को सुनने के लिए लाखों में लोग आते थे, उन्हें बचपन में स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। माने कि बोलते समय वो थोड़ा हकलाते थे, पर इस पे भी उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। रादर उनके फादर ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, जो उन्हें एक बीच पे ले जाते थे और सामने से जब वेव आती थी तो नानी पालखीवाला को जोर से चिल्लाने के लिए कहते थे, सो दैट उनकी आवाज़ क्लियर हो सके। नानी पालखीवाला को बाय प्रोफेशन इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चरर बनना था, पर उनकी डेस्टिनी उन्हें लीगल प्रोफेशन में लेके आई। LLB में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक रिकॉर्ड सेट करने के बाद उन्होंने 1944 में जमशेदजी कांगा इनका चेंबर ज्वाइन किया। जमशेदजी कांगा 1922 से लेकर 1935 तक एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे। नाउ लेट सी सम इम्पोर्टेंट बुक्स ऑथर्ड बाय नानी पालखीवाला। फर्स्ट वी द नेशन, सेकेंड वी द पीपल, थर्ड इंडियाज प्राइसलेस हेरिटेज, देन आर कॉन्स्टिट्यूशन डिफेस्ट एंड डिफाइल्ड, फिफ्थ इसेंशियल यूटिलिटी ऑफ ऑल नेशंस, सिक्स्थ टैक्सेशन इन इंडिया, देन जुडिशियरी मेड टू मेजर, द हाइएस्ट टैक्स्ड नेशंस, एंड लास्टली लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स। नाउ लेट्स सी फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैंडल बाय नानी पालखीवाला। द फर्स्ट वन इज बैंक नेशनलाइजेशन केस ऑफ 1970, देन वी हैव प्रीव्यू पर्सेस केस ऑफ 1971, बेनेट कोलमन केस ऑफ 1972, देन नेक्स्ट वन इज सेंट जेवियर्स कॉलेज केस ऑफ 1974, नेक्स्ट इन लाइन इज द फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती, एंड लास्टली वी हैव द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। ऑल दीज केसेस वर समथिंग विच शेप्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट। देर इज लॉट टू से अबाउट नानी पालखीवाला। 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ पे आगे जाके वो टाटा सन्स के डायरेक्टर भी बने। 1963 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज होने की ऑफर थी, बट उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं करी। अगर तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते तो वो अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते। अगेन 1968 में उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ऑफर मिली थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। 1977 में वो US में इंडिया के एम्बेसडर भी रहे हैं। द लिस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स एंड वर्क इज एंडलेस, बट दिस वीडियो कैन बी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Bye-bye.